लेडीज एंड जेंटलमैन शेव हो गया, मैंने यहाँ से शेव कर लिया। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे नहीं बोलना है क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन मत बोलो। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माई चैनल। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम उमर है, मैं कश्मीर में रहता हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग समझना है तो उसको समझने के लिए आपको कल का व्लॉग एक बार देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी जगह को जानने के लिए वहाँ की तारीख को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं मटन में हूँ, अनंतनाग का एक छोटा सा टाउन मटन, जिसको मार्टंड के नाम से भी जाना जाता है। मटन श्रीनगर से 63 किलोमीटर दूर है, और डाइवर्सिटी ऑफ फेथ्स की अगर आपको मिसाल ढूंढनी हो तो मटन से बेहतर कोई भी मिसाल नहीं हो सकती। तो आज का ट्रिप मटन के लिए था, तो ये रहा मेरा मटन। मेरे पीछे अभी मस्जिद है जहाँ से मैं अभी निकला हूँ। अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, चाय वाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा शेव वेव कराने क्योंकि नो शेव नवंबर ख़त्म हो गया। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ से दाढ़ी रखूँ, बट मुझे यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट करना था, और ये थोड़े 2 डिग्री 1 डिग्री पे करने हैं, मुझे वही अच्छा लगता है। और हम जा रहे हैं, मैं और मामू जा रहे हैं एक बार्बर शॉप पे, जो हमारे पुराने बार्बर हैं, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। पीछू पीछू आज खुश है करना आता से थोड़ा फोर्स था उन ज्यादा पहम मुझे मन मुझसे ये होज वजू करने खतर शेव भी हो गई। तो अभी ये देखो मस्जिद में क्या है, एक छोटा सा होज बनाया हुआ है इन्होंने वजू के लिए पिहरू में, ये ठीक पिहरू है ना, इस एरिया को क्रंगसू बोलते हैं। क्रंगसू अनंतनाग में है, केपी रोड के रोड पे ही ये गांव आता है। ये जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ इस एरिया का नाम, एक कुत्ता मेरी तरफ आ रहा था तो मैं डर गया। तो ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये क्रंगसू है, केपी रोड के ऊपर, मतलब केपी रोड पे ही ये एक गांव है। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा बार्बर के पास आए थे, तो इसलिए काफ़ी अच्छा गाँव है, यहाँ से पानी भी है। और ये पीछे मस्जिद जो है, जिसका मैंने आपको होज़ दिखाया था, ये यहाँ पे पैसे देने के लिए है, और नीचे चावल वगैरह देने के लिए, जो कि यहाँ पे ये लोग पुअर जो फैमिलीज़ हैं उनको देने के काम आता है ये खैरात वगैरह। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शेव हो गया, मैंने यहाँ से शेव कर लिया। सॉरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे नहीं बोलना है क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन मत बोलो। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने शेव कर ली, यहाँ से मैंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे चाहिए ऐसे करके, यहाँ से भी ऐसे करके, तो यहाँ मैंने छोड़ दिया, तो अभी लंबा हो जाएगा तो उसके बाद अच्छा लगेगा। तो दैट इज़ इट। तो अभी मैं खेलूँगा थोड़ी देर कज़न के साथ। ये मेरी मामू की बेटी है, मतलब मेरी बहन, जैसा कि आप लोग मतलब आउट ऑफ कश्मीर वाले बोलते हैं, मामू की बेटी, मौसी का बेटा, मौसी का लड़का, वैसे ये मेरी कश्मीरी स्टाइल में मेरी बहन है।
इसका नाम मायरा है, मारिया है, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है। अला बाल पुतलाई फोटो चचटी थे सारी पर्दे, ये क्यों काटे हमारे पर्दे, पर्दे क्यों काटे आपने, जरा बोलो एबीसीडी, बोलो एबीसीडी। कहाँ है बाबा की है, ये क्या है? अभी मैं मटन में हूँ, काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, खासकर यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे टेंपल्स वगैरह भी हैं और पानी भी है, बहुत चीज़ें एक साथ हैं, तो इसलिए बहुत यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ पे एक गार्डन है जिसको बोनी बाग बोलते हैं, इसको चिनार बाग बोलते हैं, चिनार इन पेड़ों को बोलते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं इनको चिनार बोलते हैं, बट थोड़े बहुत अगर इनमें लीव्स वगैरह अभी भी होते तो गोल्डन वाला लुक आ जाता, क्योंकि अब ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो पत्ते वत्ते सब गिर गए हैं। यहाँ पे बहुत लोग, बहुत नहीं, दो तीन लोग शूटिंग भी कर रहे हैं कुछ बिल्लियाँ विल्लियाँ लेके, तो काफ़ी मज़ा है यहाँ। यहाँ पर मैंने दो चार शॉट जो भी थे मैंने ले लिए, आगे मैं दूसरे स्पॉट पे जा रहा हूँ, अब देखते हैं वहाँ पे कैसा होगा। अभी मैं फंवार नाग के सामने खड़ा हूँ, जिसको हम फाउंटेन्स के नाम से जानते हैं, फंवारा जैसे बोलते हैं, तो ये जो है ये फाउंटेन वाला नाग है यहाँ पे। इसको पूरा गंदा किया हुआ है लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे पानी इन्होंने बंद कर दिया है इसका, जिसकी वजह से यहाँ की सारी मछलियाँ वगैरह मर गई और पूरा ये कचरा कचरा हो गया। अभी इस पे पता नहीं क्या घास उगी हुई है, बहुत ही गंदा मामला है यहाँ पे तो। बट अभी ऐसा है कि अभी इसमें से कोई गंदी स्मेल नहीं आती, गंदी स्मेल नहीं आती, बाकी ये ठीक है, इसे साफ़ किया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत है। ये है चिनार बाग जिसके अंदर मैंने वीडियो बनाया, और ये है फाउंटेन। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे पीछे जो टेंपल है ये सन टेंपल है ऑफ मटन, जिसको मार्टन के नाम से भी बोलते हैं। तो ये जो टेंपल है काफ़ी फेमस है, बहुत ही सिग्निफिकेंस है लोगों के बीच में, खासकर हिंदूज़ जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो यहाँ पे आते हैं यात्रा के टाइम पे और काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरे पीछे है ये गुरुद्वारा है और इसके साइड में टेंपल है, तो ये साथ में दोनों एक साथ हैं। और यहाँ पे एक टाइम पे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग बैठा करते थे इस वाले चिनार के नीचे, तो अभी कोई दिख नहीं रहा, एक ही बुज़ुर्ग दिख रहा है जो पता नहीं कहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई कि हम पहले इसमें नहाया करते थे जब हम छोटे थे, उसके बाद उस वाले में उसकी जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, और उसके बाद इस वाले में, मगर हमने कभी नहाया नहीं इस वाले में जो यहाँ पे है, जिसके बीच में टेंपल भी है, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है, तो इसलिए इसके बाद वाला जो है वो काफ़ी उससे भी ज़्यादा गहरा है। तो दीज आर माई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो मैं काफ़ी मिस करता हूँ इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, बाहर ज़्यादा शोर है तो मैंने थोड़ा सोचा कि गाड़ी में आपसे बात कर लूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मटन के जो मेन स्पॉट्स हैं वो दो तीन जगह हैं, वो मैंने आपको दिखा दी, और मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें देखें जो मैंने ऑलरेडी वैसे देख ली है, तो मैंने इसलिए प्रेफर किया कि मैं आपको दिखाऊं और पूरी शूटिंग इसमें की प्रॉपरली। मेरे साथ जो मेरे मामू थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत इनसाइड मिला होगा कि यहाँ आना वर्थ है कि नहीं, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या आप यहाँ के प्लान्स बनाएं आने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि मेरी ये जो मेहनत है वेस्ट हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगा कि ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी किसी भी एंगल से, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो मटन के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, वो भी इस वीडियो को शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, दैट विल बी एन एनकरेजमेंट। मटन का जो व्लॉग है आई थिंक यहाँ पर मुझे एंड करना चाहिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड स्पेशली शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, अगर आप अभी तक देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो YouTube मेरी वीडियो को ऑप्टिमाइज़ करेगा, जिससे मेरी ऑडियंस में काफ़ी इजाफा होगा।